सभी किसान भाइयों से नमस्कार। मैं संजीव कुमार यादव, जैसा कि देख रहे हैं आप, आज हम लोग जो है चने के खेत में आए हुए हैं। चने के साथ साथ जो है इसमें सरसों भी बोया गया है, इन मिश्रित रूप में बोया गया, मतलब बीच बीच में जो है सरसों भी है। तो आज हम सरसों पे बात नहीं करेंगे, आज हम जो है चने पे ही बात करेंगे। तो चने में जो है एक फली जो चना तो ठीक है, जब ग्रोथ हो जाता है तो क्या होता है कि आप देखते होंगे जो फली बनती है, तो फली में जो है देखते होंगे कि एक कीट होता है जो फली के अंदर जब भी दाना लगता है, दुग्धावस्था में रहता है दाना या तो पकने से पहले ही जो है एक कीट होता है जो अंदर से जैसे उसको काट काट के जो है फली को खराब कर देता है। इससे क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा संख्या में हो जाता है वो कीट तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। 25 से 30% या 30 से 35% तक वो जो है चने को नुकसान कर देता है। तो उस कीट का नाम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, उसका नाम है और इसका इंग्लिश जो है ग्राम पोड बोरर जिसे कहा जाता है। तो क्या करता है कि पूरे फली में घुस घुस के दाने को खराब कर देता है। तो इससे क्या होता है कि किसान भाइयों को बहुत ज्यादा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो अच्छे से होता भी नहीं है। तो क्या होता है कि फिर इसके लिए एक दवा आती है, टेक्निकल है उसका कि इवेमेक्टिन बेंजोएट और क्लोरा एंटानिलीप्लोर, ये दो दवाएं में चाहे जो भी दवा का जो है आप एक बार स्प्रे करा दीजिए। जब फली बनने लगती है तब जैसे ही एक दो कीट जो है खेतों में आए तो आप क्या करें कि उसको जो है आप छिड़काव कर दें। जैसे क्या होगा कि उससे बहुत अच्छे तरीके से निजात मिल जाएगा। अब फिर उसके बाद अगर कोई कीट नहीं लगेंगे तो फली अच्छी बनेगी और प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, तो हम तो कहेंगे। और जो ऐसा कीट है जो चार स्टेजों में चलता है, जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। क्या करता है, अंडा तो रहता है कि जैसे कभी जमीन में जो है रहेगा या तो पत्तियों के नीचे की तरफ रहेगा, और जो उसका लार्वा है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है खेतों में। तो उसके अगर आप एक बार छिड़काव कर देंगे इवेमेक्टिन बेंजोएट का या तो क्लोरो एंटानिलीप्लोर, दो टेक्निकल चार्ज भी आप कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि इसका जो है आसानी से हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और फसलों से रिलेटेड किसी भी जानकारी को जानने के लिए, किसी भी फसल में कोई भी रोग लगाओ अगर इसको जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको हम बता देंगे कमेंट में, आप एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।